दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को दीक्षा भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, कार्यपरिषद सदस्य अनिल सिंह, उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मिश्रा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह और कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना और कुल गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से 75 शिक्षकों का सम्मान, विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त 15 शिक्षकों की विदाई के साथ साथ विश्वविद्यालय के विकास में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले 63 अन्य शिक्षकों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़े सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दिया और कुलपति के रूप में एक साल पूर्ण होने पर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, the patron and executive counselor Sri A.K. Singh, Sukh Sampradam, Deep Jyotir Namastute, Purke Kushi Vardhanam, Deep Jyotir Namastute, Arashwa, Amrita, Maa Vidya, Dan Karupune, Om. He is purified us. Hamare Vishwavidyalaya ke आपके स्वस्थ सक्रिय मैं सभी शिक्षक वर्ग का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको। मेरे लिए ये आज का दिन तीन कारण है, स्वीकारात्मक ये है। पहला शिक्षक दिवस है, पास करना। दूसरा राधा कृष्ण जी वहाँ कुलपति थे जहाँ मैं आज प्रोफेसर हूँ, हमारा सिंधु यूनिवर्सिटी में कुलपति थे और मैं वहाँ प्रोफेसर था। तीसरा मैंने आज एक साल कंप्लीट किया है, 5 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। मैं चाहता था कि ये प्रोग्राम अच्छी तरह से हो, धीरे धीरे ऐसा अनुभव बनता गया कि ये सच में इंसान राज्य में आज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। राज का एक मैसेज था, हम लोग को एक कार्यक्रम रखना ही था। हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को हम लोग अवार्ड दें, ये हम लोग के प्लान में था। लेकिन राज्य सरकार भी 2-3 दिन के अंदर आगे आई और राज्य सरकार में ये हुआ कि हर 75 जिले में, हर जिले में 75 टीचर्स को अवार्ड दिया गया और हर और ये अवार्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हो, ऑनलाइन एजुकेशन पे हो,
तो इस सिलसिले में ऐसा एक महसूस गया है कि लगभग मैं कह रहा था कि 15 तो हम लोग रिटायर्ड टीचर उसको अवार्ड दिए, 75 हम लोग ने जो गवर्नमेंट की स्कीम से थे उसमें अवार्ड दिए, और 63 अवार्ड हम लोग ने दिए जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर थे। हम लोग ने एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया था कुछ क्राइटेरिया बनाते हुए, ये एक आइडिया ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इसको अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड दे सकें शिक्षक दिवस पे, जिससे कि हम दो तरफ से ये हमें मैसेज देना था, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को अवार्ड कर सके और हमारे नेट में मार्क्स इससे बढ़ते हैं। तो ये लगभग 82 शिक्षकों ने ऑनलाइन गूगल फॉर्म हमारी यूनिवर्सिटी के भरा था और लगभग हमने सभी को अवार्ड दिया। टीचर्स डे पे विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम कराया और इस कार्यक्रम में सरकार का भी सहयोग था। सरकार का एक कार्यक्रम था 75 जिलों में 75 टीचर को 75वें इंडिपेंडेंस डे पे दिया गया, तो सारे 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इनको दिया गया और हमने भी दिया, हमने 75 अवार्ड वो दिए। हमारे 3 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ, इंडिया में हुआ जहाँ कृषि माननीय कृषि मंत्री जी उसके चीफ गेस्ट थे, यहाँ का मैंने बांटे गोरखपुर में मैंने सर्टिफिकेट बांटे, उसके बाद कुशीनगर में माननीय सांसद विजय दुबे जी ने बांटे। इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने अवार्ड किया, सम्मान किया। तो मैसेज ये है कि टीचर आदरणीय है और जितने ज़्यादा टीचर्स को अवार्ड दिया जा सके देना चाहिए, वो हमने किया। बाकी एक साल मैंने अपना कंप्लीट किया, आज शिक्षक दिवस पर मैंने ज्वाइन किया था, जो मैंने शिक्षक दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिशा में विश्वविद्यालय बढ़ रहा है और इसमें सभी शिक्षकों का सहयोग है। बहुत सारी चीज़ें जो है CBS सिस्टम लागू करना, सारी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिशन, या फिर नए कोर्सेज लागू करना, लगभग 80 नए कोर्सेज हमने लागू किया। मेरे को नहीं लगता है कि भारतवर्ष में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक अकेडमिक सेशन में 80 कोर्सेज लागू किए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है उनको चलाना। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग ये जो फाइनेंशियल कोर्सेज हैं लगभग प्लान करके 25 करोड़ रुपए जनरेट करना है, पैसों आने वाले दिनों में अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया था, उन्होंने कहा कि आप लोग अपने रिसोर्सेज जनरेट किए, मैंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शेयर किया कैसे आप रिसर्च अपने कैसे आप रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी करनी होगी, अपनी IPR पॉलिसी होगी, अपना इंक्यूबेशन सेंटर होगा, अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, अपने हर डिपार्टमेंट कंसल्टेंसी करे, नए कोर्सेज बनाए, नए प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कोलोबेशन करे, यही सब तरीके हैं। तो इस पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और विदेश में मेरा ख्याल है इस समय जितना अकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटी एक्टिव हमारे टीचर हैं, मेरा मुझे को नहीं लगता है कि विदेश में और कोई यूनिवर्सिटी में इतने एक्टिव हैं। तो मैं इस दिवस पे सभी टीचरों को, खासकर विश्वविद्यालय के टीचरों को और अपने प्रदेश के सभी टीचरों को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।